हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरु जी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा में एक बड़ी भर्ती का रिजल्ट आज होगा जारी। तो इतना सुपर फास्ट काम है भाई, एग्ज़ाम के तुरंत बाद क्या है रिजल्ट निकाल देते हैं। और हरियाणा के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ भाई, एक अच्छा सी है, रिजल्ट आने में इनका जो समय है वो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो यह आप देख सकते हैं, CHO के 787 पदों पर 12,445 उम्मीदवारों ने दी परीक्षा और आज होगा परिणाम जारी। ठीक है, हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने रविवार को उपकेंद्र, यानी रविवार आपका कल था, तो यहाँ पर एग्ज़ाम लिया गया और 787 टोटल पोस्टें थी। और आप देख सकते हैं शाम को क्या उन्होंने आंसर की आपकी अपलोड कर दी साइट के ऊपर। और बात अगर करें मैं, सभी जो केंद्र हैं वहाँ पर सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड किया जा रहा है। और हरियाणा में आयुष्मान भारत के तहत CHO को 12 व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का पैकेज प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। 36 जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर परीक्षा आयोजित करवाई गई और बिल्कुल जो साफ सुथरे तरीके से जो आपकी परीक्षा है वो करवाई गई। और अतिरिक्त योग्यता वाले उम्मीदवारों को मिलेंगे 5 अंक, यानी जो अतिरिक्त अगर आपके पास योग्यता है तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पर देने की बात बताई जा रही है। और इसमें जो मैं बताता हूँ आपका, ठीक है, इसमें बताया गया जो BSc नर्सिंग डिग्री धारक जो उत्पादों के लिए आवश्यक योग्यता थी, और इसके अतिरिक्त अगर कोई उम्मीदवार के पास योग्यता है तो उसको भाई 5 नंबर आपके दिए जाएंगे। और अगर बात करें भाई मेरिट की, तो आज यहाँ पर ओमर उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई कॉपी को NHM साइट पर अपलोड कर दिया गया है और उम्मीदवार ओमर उत्तर पुस्तिका की समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और लिखित परीक्षा का स्कोर उत्तर कुंजी के साथ NHM हरियाणा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, यानी आज शाम तक अपलोड आपका कर दिया जाएगा। और हालांकि उम्मीदवारों को नियमित ईमेल या संदेश भेजे जा रहे हैं, यानी ईमेल भी इनके द्वारा भेजे जा रहे हैं और SMS भी इनके द्वारा भेजे जा रहे हैं। और उम्मीदवार को फिर भी क्या है, समय समय पर जो NHM की आपके हरियाणा की वेबसाइट है वहाँ पर जाने की सलाह, चेक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 12,445 कैंडिडेटों ने लिखित परीक्षा में जो है पार्टिसिपेट किया है। और किसी के पास अगर जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है उससे हायर क्वालिफिकेशन है तो वे 5 नंबर यहाँ पर भी दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भाई, संडे यानी कल संडे था, आज मंडे है और आज रिजल्ट निकालने की बात बोल रहे, कल एग्ज़ाम होगा। तो इतना सुपर फास्ट काम आप देख रहे हो भाई, हरियाणा की बात है, कोई बाहर स्टेट की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। फिर भी HSC के बारे में भी आप देख सकते हैं भाई, कब आपका एग्ज़ाम होता है और कब आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, ज्वाइनिंग हो पाती है तो उस पर कोई भर्ती पे कोर्ट के द्वारा सटे लगा दिया जाता है। यानी अलग अलग जो प्रक्रिया है वही आप सभी को पता है, जो भी है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इस भर्ती का जैसे ही रिजल्ट आएगा भाई, वैसे ही आपको एक वीडियो बनाने के बाद में प्रोवाइड करवा देंगे भाई, रिजल्ट की PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा पूरी जानकारी के साथ आपको वीडियो मिलेगी। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।